फ्लडिंग हो चुकी है इस टाइम। टाइमिंग नेक्स्ट थ्री पर एकदम से इन्होंने ये अटैक और दे दिया कि हम अब पंद्रह मई से कर रहे हैं ये रूल ऑलरेडी साठ परसेंट डाउन हो चुके हैं इमिग्रेशन जो टेंशन है कनेडियंस के और इमिग्रेंट्स के बीच में वो थोड़ी थोड़ी अब बढ़नी स्टार्ट हो रही है तो कनाडा के अंदर इस तरीके का क्राइसिस शायद ही किसी ने देखा होगा और हमेशा अपने टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स की हमेशा बात करते हैं बट कभी भी हमने कोई वीडियो कनेडियंस के प्रस्पेक्टिव से नहीं बनाई कि कनेडियंस के बीच में किस तरीके की बातें हो रही है और उनका एटीट्यूड टूवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर इमिग्रेंट्स किस तरीके का हुआ जा रहा है तो बहुत सी चीजें शायद आपको इस वीडियो में अच्छी भी नहीं लगने वाली बट जो भी बात करेंगे अपने सारे रियल फैक्ट्स के ऊपर ही करेंगे और कहीं ना कहीं उनका ये जो कंसर्न है हम अपने ऊपर लेके देखें तो हमें शायद सही भी लग सकता है तो बिना टाइम को वेस्ट करे लेट स्टार्ट दिस वीडियो तो कनाडा का जो पॉपुलेशन को लेके क्राइसिस चल रहा है या फिर अपने कहीं फ्लडिंग हो चुकी है इस टाइम तो अगर आप 2010 से लेके 2020 तक का पॉपुलेशन का ग्राफ चेक करोगे कनाडा का तो आपको एक स्टेबल ग्रोथ नजर आएगी हर साल दो तीन लाख बंदे यहाँ आके परमानेंट रेजिडेंट बन रहे थे कनेडा उन्हें अच्छे से अब्सॉर्ब भी कर पा रहा था कोई इस तरीके की शॉर्टेज नहीं लग रही थी की जॉब की शॉर्टेज हो रही है या फिर घर वगैरह नहीं मिल रहा बट रिसेंटली अगर तीन साल के ग्राफ चेक करोगे ना तो एक बहुत ही खतरनाक स्पाइक देखने को मिलेगा जो की किसी के भी हजम नहीं हो रहा और अगर अपने स्टूडेंट्स की बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कैनेडा पढ़ने आ रहे हैं तो कंट्री भी जब आप फिल्टर करके देखोगे ना तो उसके अंदर भी इंडिया का नाम सबसे ऊपर आता है और सेकंड प्लेस पे जो चाइना है ना आप उससे डिफरेंस भी चेक करो कितना ज्यादा है 2019 के अंदर या फिर 2020 के अंदर कुछ पॉलिंग्स भी हुई है आप विकीपीडिया पे चेक भी कर सकते हो तो कनेडियन से पूछा गया था कि आपको उस टाइम जो की अच्छा टाइम था आपको क्या लग रहा है की इमिग्रेंट ज्यादा है कम है और बुलाने चाहिए या नहीं बुलाने चाहिए उस टाइम भी मेजोरिटी ऑफ कनेडियंस ने ये अपना कंसर्न दिखाया था की हमें लग रहा है की इमिग्रेशन थोड़ा ज्यादा है इसे थोड़ा सा कंट्रोल में लाना चाहिए बट हुआ क्या नेक्स्ट थ्री इयर्स में कंट्रोल लाने की जगह वो और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चला गया अब किसी देश की जब पॉपुलेशन की बात आती है तो उसके परसेंट होने हो चाहिए तो अब कहीं पे भी अगर आप जाओगे ना चार बंदों को खड़े कर लेना चार में से एक बंदा आपको इमिग्रेंट मिलेगा इसलिए आजकल आपने सोशल मीडिया के ऊपर होगा एलियन वर्ड बहुत ज्यादा यूज करने लग गए एलियन का मतलब ऐसा होता है कि

नेक्स्ट थ्री आपने कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर की भी बात सुनी होगी टेम्परेरी रेजिडेंट्स भी कनाडा के अंदर इस टाइम बहुत ज्यादा रखे हैं हम सबको पता है कनाडा की पॉपुलेशन रिसेंटली अब एक मिलियन से भी ज्यादा बढ़ रही है हर साल जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और अभी की अगर अपने बात करें तो लगभग टू मिलियन से भी ज्यादा लोग यहाँ पे टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स हैं अब इसको भी अगर अपने परसेंटेज वाइज समझे कनेडा की पॉपुलेशन में तो लगभग सिक्स जो पॉपुलेशन है की वो टेम्परेरी रेजिडेंट की है तो अगले 3 सालों में हमें टेम्परेरी रेजिडेंट्स 20% कम देखने को मिले

सीट्स ही नहीं है इन्होंने सीट्स बहुत कम कर दी कॉलेजेस उड़ा दिए आधे से ज्यादा और अप्रूवल रेट अब कह रहे हैं पचास से साठ परसेंट रहेगी बड़ी मुश्किल से ऑलरेडी साठ परसेंट डाउन हो चुके हैं इमिग्रेशन बाकी भी चीजें आप सुन रहे हो घर नहीं है जॉब नहीं है कितनी कितनी लंबी लाइन लग जाती है, जब किसी एक की बात होती है। तो कैसे ऐसा नहीं है की जॉब ओपनिंग नहीं है ये लाइने आपको एंट्री लेवल जॉब के बाहर मिलती है और इसीलिए कनेडियंस का ये कंसर्न भी है की जब वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद एंट्री लेवल जॉब के लिए अपने घर से बाहर निकालते हैं उनके पास भी अब कोई जॉब बच नहीं है एक्सप्रेस एंट्री पूल का तो हमें पता है किस तरीके से सारा मैसअप काम चल रहा है ड्रॉस जो है पांच से ऊपर चल रहे हैं पांच सौ है इस टाइम इतना स्कोर एक ग्रेजुएशन वाले बंदे के लिए भी बहुत ज्यादा हो रहा है पांच साल लगाने के बाद भी ना कैनेडा तब भी इतना स्कोर मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स नहीं कलेक्ट कर पाते और हमें ये चीज भी पता है बहुत से स्टूडेंट्स को वर्क परमिट का एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला उन्हें भी कंट्री लीव करके जाना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम अभी जो इन्होंने नया रूल लगाया था कि आप किसी भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वाले कॉलेज में एडमिशन लेके वर्क परमिट नहीं ले सकते अप्लाई होना था एक सितंबर से पर एकदम से इन्होंने ये अटैक और दे दिया कि हम अब पंद्रह मई से कर रहे हैं ये रूल अब पहले ये था कि मई से लेके के बीच में भी जो लोग कॉलेज आके स्टार्ट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं टेंशन फ्री थे कि उन्हें वर्क परमिट मिल जाएगा स्टडी के बाद बट अब उन लोगों में भी बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट मच चुकी है अब हम आगे बात करते हैं फ्रस्ट्रेशन की जिसे की कुछ लोग रेसिज्म भी समझ रहे हैं अब कनेडियंस का जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स इमिग्रेंट वो थोड़ा सा खराब होता जा रहा है और बहुत सारे अब आपको कनेडियन चैनल्स भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो दबा के पूरा इमिग्रेंट्स के लिए बहुत गंदा गंदा भी बोल अब फॉर एग्जाम्पल पंजाबी सिंगर है करण ओजला बहुत से लोग जानते होंगे उन्हें तो कनाडा के अंदर अभी अवार्ड मिला तो इससे भी कनेडियंस को बहुत मिर्ची लग रही है कि हमारा कल्चर खत्म हो रहा है हमारे लोगों को अवार्ड नहीं मिल रहे और एलियंस आके बाहर से अवार्ड ले लेके जा रहे हैं तो इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इनके बीच अब फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और एक पानी होता है ना जो सिर के ऊपर से निकल जाता है उस तरीके के साइंस हमें देखने को मिल रहे हैं सो अब अगर हम बात करें कि इसमें फॉल्ट किसका है क्या फॉल्ट स्टूडेंट्स के पहले तो लाखों ट्यूशन फी दे रहे हैं कनाडा के कॉलेजेस को फिर यहाँ आके काम कर रहे हैं टैक्सेस बढ़ रहे हैं गवर्नमेंट को और उसके बाद उन्हें गालियां सुनने को मिल रही हैं या फिर गवर्नमेंट की गलती है बहुत इलिगल तरीके से इतना मास इमिग्रेशन करवा दिया यहाँ पे तो हर बंदे की जुबान पे क्वेश्चन है की चीजें नॉर्मल कब होगी अब गवर्नमेंट स्टेप तो ले रही है इमिग्रेशन कम कर रही है बट एक्सपर्ट्स का कहना यही है की टाइम लगेगा हर एक चीज में और हो सकता है जो चीजें 2020 से पहले

उनकी लाइफ सेट है है पीआर उन्हें मिल चुकी है, बट ये क्वेश्चन आप उनसे भी एक बार जाके पूछ के देखो जो यहां की पीआर ले हैं क्या आप भी अभी के जो माहौल में कनाडा रहना चाहते हो या फिर एग्जिट ढूंढ रहे हो वापस अपनी होम कंट्री जाने का तो आपके क्या थॉट है इस के उपर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपने मिलेंगे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर